मेरा नाम यशपाल तिवारी है जी। मैं महासचिव हूँ श्री ब्राह्मण सभा चंडीगढ़, भगवान परशुराम भवन, सेक्टर 37 सी चंडीगढ़ से। रविंदर बिल्ला जी की टीम ने जो कार्य किया है और जो इन्होंने प्रारंभ में इसको लगाया, सब लोगों को एकत्रित किया, इतने डेडिकेटेड लोग इनके साथ जुड़े हुए, और इन्होंने हमें छोटा सा एक मौका दिया कि आप भी कुछ सेवा कर सकते हैं। हमने इनको बोला कि बताइए हम क्या सेवा कर सकते हैं, आजकल लॉकडाउन चल रहा है और कर्फ्यू में हम आपके साथ जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी हमसे सेवा बनेगी हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें किचन की आवश्यकता है और कुछ जगह चाहिए हमें, आप फूड पैक करेंगे, हम उनको लेकर के जाएंगे बांटने के लिए। हमने कहा ये तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने हमें ऐसा मौका, ऐसा अवसर दे रहे हैं। तो किचन हमने इनको दिया, इन्होंने लंगर वहाँ पर प्रिपेयर किया और हमारे स्टाफ के जो बंदे थे उनका भी सहयोग मिलता रहा। मुझे भी बिरला जी के साथ एक दिन भोजन के लिए वितरण करने के लिए सौभाग्य मिला। रेलवे स्टेशन के पास एक ऐसी कॉलोनी में जो इन्होंने भोजन दिया है वो नंगे बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चे, और वो भूख से बिलख रहे थे। तो हमारे जाते ही जैसे गाड़ी गई है तो उन्होंने लैन, इन्होंने ऐसे ही सारा पूरा कोऑर्डिनेट के साथ उनको डिस्टेंस के साथ और उनको भोजन वितरण किया। और इनकी गाड़ी को देख के वहाँ पे जो गुएँ थी, और जब गुएँ ये रोज आते हैं तो इनको गुएँ देख के, जो गाय थी वो गाय देख के भाग के आई और उन्होंने इन्होंने उनको पूरियाँ वगैरह खिलाई। तो ऐसी मानवता जो ये इन्होंने ये सारा जो वितरण किया है वो प्रॉपर ढंग से, मतलब एक देखने के लायक था कि वो किस तरह हर एक आदमी के जैसे उसके बच्चे के मुंह में गया। ये इतना इन्होंने अच्छा उपराला किया है, ये बहुत ही अच्छा एक प्रयोग है, एक प्रयास है जो रविंदर सिंह जी ने, बिल्ला जी ने किया है। इनके साथ भूपिंदर नारद जी, धर्मवीर नारद जी और वीरेंद्र नारद जी और चंडीगढ़ पेंट्स एसोसिएशन के सभी सदस्यगण, चंडीगढ़ व्यापार मंडल के सभी सदस्यगण और चंडीगढ़ लेबर सेल कमेटी के जो सदस्यगण हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बड़ा सराहनीय है। ऐसे कार्यों में कहना आसान होता है कि हमने इतने 1,500-2,000 रोज का लंगर बांटा और 2.5 महीने तक ये लगभग चला है। 4 मई से ये इनका कार्यक्रम शुरू हुआ था, इन्होंने लंगर बनाना शुरू किया था और बांटना शुरू किया था, और आज 31 मई है और ये लगातार चला आ रहा है। और बहुत ही सराहनीय, मैं पेपर में भी पढ़ता रहा हूँ, इनकी वीडियो भी आती रही हैं, इतनी अच्छी तरह से भली भांति बड़े सुचारू रूप से इन्होंने चला करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है। ऐसे ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते वहाँ तक इन्होंने लंगर पहुँचाया, किसी को भी चंडीगढ़ में भूखा नहीं रहने दिया। भोजन जिनको चाहिए था वो उनके मुंह तक मिला, और मैं भगवान से, परशुराम जी से यही विनती करता हूँ कि जो ये इन्होंने कार्य किया है और ये भवन जो बना है ये इसी कॉज के लिए बना हुआ है, और आगे के लिए या किसी भी दुख की घड़ी में ये परशुराम भवन कब काम आए, और इसीलिए ये भवन बनाया हुआ है।